गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे आप सब, उम्मीद है कि सब ठीक है आप। मुझे दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो मैं ना किचन में हूँ और आज का दिन ना बहुत ही गंदा है, वो पूरा अंधेरा हो गया है। तो मुझे ना अभी किचन की लाइट भी ऑन करना पड़ा है। और यहाँ पे मेरा मटन बिरयानी बना रही हूँ मैं, तो मटन मैं थोड़ा सा प्रेशर कुक करूँगी और उसके साथ मैं बना रही बैंगन का सैलेड, क्योंकि हमेशा होता है ना होटलों में मिलता है। आई वांटेड टू ट्राई दैट टुडे। बहुत ही ईजी मैं बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ ये नहीं करूँगी गड़बड़ वाले चीज़ें। तो कम ऑन चलते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है जस्ट स्पेयर दैट वॉइस कोकोनट ड्राई, जो ये वाला होता है। और मैंने ना ये सेसमे सीड्स लिया, तो मैंने हाफ कप पीनट्स लिया। तो पहले हम लोग पीनट्स को रोस्ट करते हैं। तो चलो आप लोगों के साथ ही आज रेसिपी बनाते। तो यहाँ पे पैन में मैंने ना वो जो पीनट्स थी वो मैंने उसको थोड़ा सा सॉटी किया जब तक वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एंड देन आई एडेड द सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स और पीनट्स जब डालने के बाद थोड़ा सा वो ब्राउन हो गया, मैंने निकाल दिया। और फिर मैंने डाला जो अपना कोकोनट होता है वो डालना है और उसको भी गोल्डन ब्राउन करना है। मेक श्योर यू डू इट ऑन अ लो फ्लेम, अदरवाइज वो जल जाएगा। तो ये सब होने के बाद मैंने इसका ड्राई पेस्ट बना दिया है। पानी बाद में मैंने डाल दिया वंस आई मेड अ ग्राइंड, मतलब पूरा फाइन पाउडर बनाने के बाद। तो ये फर्स्ट रेडी हो गया, इसको मैंने रेडी करके रख दिया। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है और उसमें ऑयल डाला है और उसमें मैंने जो ब्रिंजल जो बैगन है उसको मैंने स्लिट करके थोड़ा सा उसको ना आपको शैलो फ्राई करके निकालना है। फ्राई करके निकाल दिया और फिर मैंने ऐड किया थोड़ा सा क्यूमिन, और क्यूमिन डालने के बाद थोड़ा सा मैंने ऐड किया है करी लीव्स। ये दोनों ना एकदम से ऐसे चटक पटक हो रहा था ऑयल में, थोड़ा सा केयरफुली। तो उसके बाद मैंने एक ऑनियन कट किया है, वो ऑनियन डाल दिया है। तो ऑनियन जब तक गोल्डन ब्राउन हो चुका था मैंने पेस्ट डाल दिया और मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ऑलमोस्ट हाफ कप। और उसके बाद में जो टैमरिंड पल्प मैंने रखा था वो आपको डालना है, वो भी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ कप था। तो सब अच्छे इससे ना मैंने मिक्स किया है और फिर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और फिर सब मसाले कुक होने के बाद मैंने ब्रिंजल ऐड किया है और मैंने इसको 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे कुक किया है। और ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट एंड इजी सालन मैंने बनाया था। तो लेट्स मेक द बिरयानी प्रिपरेशन नाउ। मटन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन लिया है, उसको मैंने लेमन स्क्वीज किया है और 2 स्पून मैंने सॉल्ट डाल के मैरिनेट करके रख दिया हूँ। और थोड़ा सा मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, पूरा मिक्स करके मैंने इसको 3-5 विसल प्रेशर कुक कर दिया है। और उसके बाद में मैंने एक तरफ पानी उबालने के लिए रखा है ताकि मुझे राइस बनाना था। तो अभी मैंने बासमती राइस यूज़ किया है ऑलमोस्ट 1 बिग कप और उसमें मैंने खड़े मसाले डाल के उसको कुक किया है, जो कि स्टार एनिस, क्लोव, सिनामन और कार्डमम। और सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। राइस मैंने कुक होने के बाद स्ट्रेन कर दिया है और मैंने एक पॉट लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है 3-4 टेबलस्पून और मैंने एक बड़ा सा ऑनियन चॉप करके उसका मसाला बनाना है। मुझे ऑनियन लिया है यहाँ पे, ऑनियन मैंने अच्छे से सॉटे किया है टिल इट्स बिकम गोल्डन ब्राउन। वंस द ऑनियन हैज turn into golden brown, I have put 2 big tomatoes. तो इस बिरयानी में ना मैंने आज अपना ट्विस्ट डाला है, मैंने करी लीव्स डाला है 4-5 और इसका फ्लेवर ना ज़बरदस्त है, इसका जायका ना अनादर लेवल में है। और वो अच्छे से ना मैंने सॉटे किया है, सॉटे करने के बाद मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है 1 स्पून। वंस द जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है चला जाए कुक होने के बाद, उसमें मैंने ऐड किया है 2 बिग टमेटोज। और इस मसालों को मैंने अच्छे से सॉटे किया है एटलीस्ट फॉर 3-4 मिनट्स टिल इट्स बिकम सॉफ्ट एंड गोल्डन। सो उसमें मैंने कुछ बाद में ड्राई स्पाइसेस यूज़ किए, जो कि कुछ यूँ है, बहुत ही सिंपल बिरयानी है। तो ड्राई स्पाइसेस भी बहुत ही सिंपल है, 1/4 स्पून हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, थोड़ा सा मैंने कर्ड लिया है, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर लिया है और इन मसालों को अच्छे से मैंने सॉटे किया। एंड देन मेरे पास हमेशा ग्रीन मसाला होता है, वो मैंने डाल दिया है 2-3 टेबलस्पून। और इस मसालों को अच्छा आपको कुक करना है, कुक होने तक इसको अच्छा आपको मिक्स करना है। और वंस इट्स ऑल सॉटेड वेल, फिर जो मैंने प्रेशर कुक किया था मटन वो मैंने ऐड किया है इसमें।
तो मटन डालने के बाद मैंने तीन से चार मिनट इसको धीमी आंच पे कुक किया और फिर मैंने स्टोव बंद करके अभी इसकी बनाते हैं लेयर। तो फर्स्ट लेयर मैंने क्या किया है, मैंने मटन ग्रेवी डाला है और सेकंड लेयर मैंने डाला है राइस और अगेन मैंने थर्ड लेयर डाला है मटन का और ऊपर से राइस डाल के सिलांट्रो डाल के इसको मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स धीमी आँच पे दम पे चढ़ा दिया था और मेरी यमी डिलीशियस मटन बिरयानी वो भी फराह के स्टाइल में रेडी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप मेरे चैनल पे हर चीज़ देखेंगे, फन वीडियोस होंगे, कुकिंग वीडियोस होंगे, हर चीज़ होगी इंशाल्लाह। तो मुझे आगे जाने के लिए आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो इस चलती हूँ, फिर एक दफ़ा आऊँगी और एक वीडियो लेके, तब तक मेरे चैनल को और मुझे याद रखना। बाय बाय।